देख रहे हैं एलएनवी टीवी न्यूज। कोरोना कोविड 19 को पराजित करने के लिए कोरोना योद्धा लगातार लगे हुए हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर लॉकडाउन का पार्ट टू चल रहा है। भारत लगातार संकल्प के साथ विजय अभियान की तरफ बढ़ रहा है। बात करें वैज्ञानिकों, चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों, सुरक्षा कर्मी, पत्रकारों, सफाई कामगारों की या इंजीनियरों की, सभी अपना अपना योगदान दे रहे हैं। हम इस समय बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के दमोह की, जहां CMOH कार्यालय में पदस्थ उपयंत्री अभिषेक चतुर्वेदी को, जिन्होंने चलता फिरता मोबाइल कलेक्शन बूथ का निर्माण एक दिन में किया है। क्या है ये मोबाइल कलेक्शन बूथ, आइए हम आपको दिखलाते हैं और क्या कहना है उपयंत्री अभिषेक चतुर्वेदी का, यह भी हम सुनाते हैं। कोरोना COVID-19 की लड़ाई में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है और नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में मध्य प्रदेश का पहला एक ऐसा चलता फिरता बूथ बनाया गया सैंपल कलेक्शन के लिए, जो कि इस समय चर्चाओं में बना हुआ है। बताया जाता कोरोना कोविड की लड़ाई में यह महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। क्या कहते हैं इस संबंध में अभिषेक चतुर्वेदी, आइए हम आपको सुनवाते हैं। मोबाइल सैंपल कलेक्शन बूथ, इसका निर्माण हुआ कोरोना COVID-19 के जांच में। ये परिकल्पना कहाँ से आई और किस आधार पर इसको तैयार किया गया? ये परिकल्पना तो चीन की है। वैसे चीन ने ईजाद किया हुआ था, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में एक साथ पेशेंट आ गए थे, तो उनको हॉस्पिटल बुलाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। दूसरा क्या था कि यदि पेशेंट इतनी ज़्यादा मात्रा में आ रहे थे तो इन्फेक्शन फैलने का बहुत ज़्यादा खतरा था। यदि एक जगह से पेशेंट दूसरी जगह मूव करता है तो वो रास्ते में थूकता भी है, खांसता भी है, छींकता भी है, तो वो सारे वातावरण को इन्फेक्टेड करता हुआ जाता है। तो ये परिकल्पना उस दृष्टि से रखी गई है कि जहाँ पेशेंट है इसको लेके वहीं चले जाएं और उसका स्लज टेस्टिंग के लिए ले लिया जाए। ये मतलब दमोह जिले का पहला ऐसा चाहिए बूथ है, ये कितने बूथ तैयार होंगे? ये दमोह जिले में एक ही किया गया है अभी, और ये मध्य प्रदेश में भी मुझे लगता पहले ही बूथ बन के कम्प्लीट हुआ है। एक आध जगह कहीं बना हो तो जानकारी में अभी नहीं आया है, पर ये परिकल्पना हमारे माने इंजीनियरिंग विंग ने तैयार करके रखी है एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के लिए, कि जहां भी इसकी ज़रूरत हो तो जहां पेशेंट पाया जाए इस पूरे एरिया को ब्लॉक कर दिया जाए और इसको ले जाके गाड़ी पर लोड करके वहीं सैंपलिंग की जाए और सैंपल लेने वाला व्यक्ति पूर्णतः सुरक्षित रहे। यह एयरटाइट चैम्बर बनाया गया है जिसमें उसको किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन का खतरा नहीं रहे। अच्छा, ये मतलब है इसको अपन किसी वाहन के ऊपर ले जाकर इसको ले जाएंगे और स्थापित करेंगे या चलता फिरता रहेगा? नहीं, ये चलने के लिए इसमें मोबिलिटी के लिए कुछ पहिए या उस तरीके का नहीं दिया गया, और दे भी देते तो अपने यहाँ चूंकि रास्ता बहुत अच्छा और क्लीन नहीं मिलेगा तो हर जगह ले जाने में दिक्कत होगी, तो वाहन पे ही ले जाना है मैं इसको, सरलता रहेगी। और जैसे यहाँ से 40 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर भी ले जाना तो फिर मैनुअली इसको ले जाना कठिन था, तो इसको गाड़ी पे लोड करके ले जाएंगे। चतुर्वेदी जी, ये जो बना हुआ है मोबाइल सैंपल कलेक्शन, जो आपने कोरोना COVID-19 के सैंपल को लेने के लिए, ये किस मद से और किस आधार पर बना? ये मैंने एक सुझाव हमारे यहाँ के जो DPM महोदय हैं श्री चंद्रशेखर पांडे जी, उनको दिया था, तो उन्होंने डिस्कस कलेक्टर साहब से किया, तो कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार इसको बनाया गया। कलेक्टर साहब का कहना था कि इसको आप बना लो और फंड की व्यवस्था कहीं से नहीं होगी तो हम रेड क्रॉस सोसाइटी से इसका पेमेंट करेंगे, पर ये अच्छा सुझाव है और इसको इमीडिएट तैयार किया जाए, तो इसको एक दिन के अंदर ही तैयार किया गया है कलेक्टर महोदय के निर्देशन में और DPM साहब के अनुशंसा पे। 24 घंटे में एक बूथ जब तैयार हो सकता है तो मतलब है आप बहुत जल्दी से जल्दी कई बूथ ऐसे तैयार हो सकते हैं? हाँ, आवश्यकता पड़ने पे हमें जैसी डिमांड मिलेगी तो हम इसको विद इन माने 12 आवर में एक बूथ कंप्लीट कर देंगे और जितनी भी आवश्यकता होगी उसको
सप्लाई के लिए देने को तैयार रहेंगे। कुल मिलाकर इंजीनियरिंग विभाग की परिकल्पना के आधार पर ही ये सब कुछ तैयार। हाँ, इसको हमने एलुमिनियम का चैम्बर और एक्रिलिक सीट लगा के बनाया है ताकि इसमें जो ग्लव्स के लिए ये हाथ बाहर निकालने के लिए काटा है तो ग्लास चूंकि डैमेज होने का डर रहता तो इसमें एक्रिलिक सीट लगाई गई है। इसको एयर टाइट करने के लिए एलुमिनियम का यूज किया गया जो अपन एसी चैम्बर में यूज करते हैं ताकि हवा और किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन अंदर बाहर नहीं जाए। तो इसको पूरा टेक्निकल तरीके से देख के बनाया गया है और मजबूत भी रहे ये भी ध्यान रखा गया है। यह थे अभिषेक चतुर्वेदी, उपयंत्री सीएमओ कार्यालय दमोह, जिन्होंने मात्र 24 घंटे के अंदर मोबाइल बूथ का निर्माण किया जो कि कोरोना कोविड 19 की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। तो इन समाचारों के लिए देखते रहिए LNV TV, जुड़िए हमसे, हम बनेंगे आपकी आवाज। नमस्कार।